जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे एस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। आई इंडिया पर सीतापुर के थाना संदना इलाके से गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रधान संघ के करीब 2 दर्जन लोग थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि किसी प्रधान व चौकी पुलिस के बीच बहसबाजी हुई और प्रधान का आरोप है कि उसे पीट दिया गया। इसके अलावा भी काफी गंभीर आरोप है मामले में। क्या पूरा मामला है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के संदना संवाददाता राजेंद्र सिंह जी। तो राजेंद्र जी बताएं, पहले तो आप बताएं पूरा मामला क्या है। जी आपको हम बता दें कि यह संदना थाना क्षेत्र के गोंदला मऊ पुलिस चौकी का मामला है, जहां पे प्रधान पट्टी अरविंद राज ये जो है बाजार में थे, वहीं पे किसी की बाइक जो है चाबी लगा करके कोई व्यक्ति ले गया था, तो इन्होंने दौड़ा करके इसको भानु सिंह के कांटे के पकड़ा। पकड़ने के बाद जो है उसको मारा पीटा, मारने पीटने के बाद ये लोग यहाँ ले आए। पुलिस भी मौके पहुंची, पुलिस से भी नोकझोंक हुई। इनका आरोप है अरविंद राज का कि पुलिस ने हमको मारा पीटा है, इनकी डॉक्टरी कराई, उसके बाद सुलह समझौता हो गया। अब एक प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने प्रधान संघ अध्यक्ष विवेक सिंह से बात की, तो विवेक सिंह ने ब्लॉक पे सभागार में प्रधानों से मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जो ये है थाने पे धरना देने के लिए सब सारे प्रधान मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये काफी गंभीर मामला जो है थाना इलाके से निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो मामले में प्रार्थी है प्रधान अरविंद कुमार व इलाके के गांव पट्टी निवादा का प्रधान है। तहरीर के अनुसार जो मामले में उसके द्वारा तहरीर दी गई है उसके अनुसार रविवार को गांव का ही एक शख्स जिसका नाम अंकित बताया जा रहा है, अंकित की गाड़ी किसी अज्ञात शख्स से धोखे में चेंज हो गई थी, ऐसा उसमें लिखा गया है। और ग्राम प्रधान अरविंद अंकित के साथ हुई घटना की सूचना लेकर उसके साथ इलाके की गोदला मऊ चौकी गया था। प्रधान के द्वारा अज्ञात शख्स जो गाड़ी लेकर गया था उसकी गलती न मानते हुए दोनों पक्षों में सुलह करने को कहा गया, ऐसा तहरीर में लिखा गया है। और उसके बाद कहा गया है कि जब चौकी पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा लिखे जाने की बात कही गई, इसकी बात को लेकर बहसबाजी हुई और इसके बाद प्रधान के द्वारा चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े गए हैं, जिसमें नशे की हालत में मारपीट करना, जाति सूचक गालियां देना शामिल है। ग्राम प्रधान अरविंद के द्वारा तहरीर में चौकी इंचार्ज राम विलास पाल सिंह, हेड कांस्टेबल जय प्रताप सिंह व यादवेंद्र यादव पर नामजद गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। इसमें पार्थिव प्रधान की बाइट भी हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। गाड़ी के बगल को लेकर चौकी पे गए, वहाँ पर सब पर मुकदमा लिखाने के बताया गया कि जितने लोग हम लोग थे, गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी बरामद की गई, सब लोगों ने बरामद की, उसके बाद चौकी पे लेकर के उसको गए। वहाँ पर कहा गया कि सबके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, तो हमने कहा सब पर मुकदमा क्यों लिखा जाएगा, इस बारे में लेकर के हमारा जैसे और कुछ बात भी नहीं हुई। ये कहा उन्होंने कि आप मुकदमा उन पर बना रहे हैं, तुम ये हो वो लोग क्या लेकर के और आप हंगामा करते हो, तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, गाँव वालों ने हमारे लोग गाँव के लोग साथ में थे, उन्होंने कहा कि मतलब हम मुकदमा लिख देंगे तुम पर,
हमारी डॉक्टर भी कराई गई, हमको उल्टे सीधे शब्द भी कहे गए, हमको थप्पड़ मारे गए वहाँ पर। मारा किसने? विशाल सिंह। कौन है? राम विलास सिंह नाम है उनका, वो है चौकी इंस्पेक्टर। क्या चोरी किसकी हुई थी? बाइक की चोरी। बाइक की चोरी हुई थी हमारे पट्टी बाजार से, वहाँ पर वो बरामदगी हुई वहाँ पर। लेकिन वो उसका हुआ ऐसा कि वो धोखे से आकर के आई थी, वो धोखे का हुआ। हमने उसको पकड़ा था वहाँ लेकर के सम्मिलित करने गए थे कि हाँ इसको मामला शांत किया जाए, लेकिन उसको ऐसा बनाया गया कि हमको भी मारा गया और उसको। और बाइक किसकी चोरी हुई थी, उसका क्या नाम था? अंकित कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि काफी गंभीर आरोप चौकी पुलिस के द्वारा लगे हैं इस मामले में, चौकी पुलिस के ऊपर लग रहे हैं। इसको लेकर जो है स्थानीय प्रधान संघ में भी काफी आक्रोश है। संघ के पदाधिकारी थाना परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजन जी, जानकारी चाहेंगे कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें जो प्रधान संघ अध्यक्ष विवेक सिंह जी हैं और जितेंद्र सिंह प्रधान हैं, अरविंद राज पीड़ित हैं, अनुज अवस्थी प्रधान प्रतिनिधि हैं, अशोक सिंह जी हैं, पवन सिंह प्रधान हैं और ललित सिंह हैं, शिवराम प्रधान प्रतिनिधि हैं और हरेंद्र प्रधान हैं, हेमराज प्रधान डेंगरा हैं, मदन पाल प्रधान भाऊपुर हैं, रामपाल यादव तोकलपुर हैं, रमेश कमलापुर हैं, बलराम तारापुर हैं, प्रमोद कुमार प्रधान प्रतिनिधि पारा हैं, अखिलेश प्रधान गुंदलामऊ हैं, अशोक गढ़ी खेरवा हैं, कौशलेंद्र प्रधान करुआमऊ हैं, बिपिन गंगापुर, उमेश हिंडौरा प्रधान हैं और नंदवन प्रधान हैं, संजय प्रधान प्रतिनिधि गोपालपुर पूर्वी हैं, मायाराम कुर्सी हैं, बलराम प्रधान तारापुर हैं, अशोक सिंह इस्माइलगंज है, कुंज बिहारी गढ़वे। इतने प्रधान इस समय धरना स्थल पर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो दो दर्जन से अधिक प्रधान वहां पर मौजूद हैं और जो है काफी आक्रोश देखा जा रहा है प्रधान संघ के लोगों में। मामले में प्रधान संघ के जो पदाधिकारी हैं, हमारे पास उनकी भी बाइट आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। सिंह प्रधान प्रतिनिधि इस्माइलगंज क्षेत्र पंचायत सदस्य गुंदलामऊ। क्या घटना हुई, क्यों आप लोग धरने बैठे? हम लोग, घटना ये है कि प्रधान पट्टी अरविंद रावत जी को मारा गया है और मारा इस बात को लेकर के गया है, कोई बात नहीं थी। एक मोटरसाइकिल चोरी का प्रकरण था, उस प्रकरण को लेकर के इनको चौकी पर बुलाया गया था और चौकी के इंचार्ज व सिपाहियों के द्वारा बदतमीजी की गई, पीटा गया। पुलिस बेलगाम है, जिंदाबाद बात कोई सुनता नहीं है। पुलिस की स्थिति ये है, रोड से रोड लेट वाली है। हम लोग भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता है, भाजपा के हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हम लोग, ये पुलिस प्रशासन भाजपा के खिलाफ है पूरी तरीके। जो थाना तहसील का प्रशासन है ये नहीं चाहता है कि भाजपा की सरकार रहा है, इसलिए सारे प्रधानों के साथ में ऐसा बर्ताव पुलिस के द्वारा, प्रशासन तहसील प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हम भाजपा में हैं, भाजपा को वोट देते हैं, जिताते हैं और हर संभव मदद। तो क्या 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 मांगे हैं आप लोगों, क्यों धरना दिए हैं? हम लोगों का न्याय मिलना चाहिए और चौकी इंचार्ज वहां के स्टाफ के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग यहाँ पर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह से अपना धरना यहाँ जारी रखेंगे जब तक कार्रवाई नहीं पूरी हो जाती। ये धरना प्रदर्शन कल पट्टी नेवादा ग्राम प्रधान अरविंद राज को एक दरोगा जी के द्वारा थप्पड़ मारने के विषय में हम लोग कर रहे हैं। अरविंद प्रधान एक बाइक चोरी की घटना को लेकर के चौकी पर अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे और जो अपराधी था उसको भी लेकर के गए थे। पुलिस उस अपराधी को छोड़ देने के विषय में, उससे सुलह समझौता के विषय में दबाव बनाने लगी, जिसका विरोध अरविंद राज पट्टी ने किया, जो पट्टी के प्रधान हैं। और इसी विषय में लेकर के दरोगा जी ने अरविंद जी को और जो उनके साथ साथी गए थे उनको धड़ल्ले से पीटा है। हम लोग इसी संबंध में यहाँ पे इस समय आज थाना सदना में धरना कर रहे हैं कि यदि इस तरह से जनप्रतिनिधि को बगैर किसी बात के यदि पीटा जाएगा तो आम जनमानस का क्या होगा। हम लोग सभी लोग प्रधान होने के साथ साथ भाजपा के एक निश्चल कार्यकर्ता भी रहे हैं,
चुनाव में हम सभी लोगों ने इतनी मेहनत की और हम सभी लोगों के साथ ये इस तरह से प्रशासन पेश आ रहा है। इसको देखते हुए तो यही दिखाई देता है कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और सरकार के विरोध में ही काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह, मैं प्रधान प्रतिनिधि कोठावा हूँ और प्रधान संघ अध्यक्ष का प्रतिनिधि भी हूँ। जी आपको बता दें कि इसमें सीओ साहब मौजूद पहुंच चुके हैं घटनास्थल पे, धरनास्थल पे सीओ साहब पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तो जो है अब पुलिस की ओर से जो है मामले में जो सीओ मिश्रिक राजेश यादव हैं वह भी पहुंच चुके हैं। उनसे जब मेरी बात हुई इस मामले को लेकर तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो थाना प्रभारी सुरेश पटेल हैं वहां पर, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है कि रविवार देर रात इलाके के किसी प्रधान व पुलिस के बीच बहस हुई थी, ऐसा सीओ मिश्रिक का कहना है। और इसमें प्रधान पक्ष आरोप लगा रहा है कि उसे पीटा गया है, जबकि पुलिस के द्वारा उसे सिर्फ रोका गया था और बहसबाजी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधान संघ के लोग थाने में मौजूद हैं, सीओ मिश्रिक राजेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, थाने का पूरा जो है महकमा वहां पर मौजूद है, दोनों पक्षों में जो है बातचीत का दौर जारी है। इस मामले में आगे क्या कुछ और निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।